बीजेपी के प्रवक्ता शजाद पूनावाला और तमाम नेता कह रहे हैं कि राजस्थान में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत ज्यादा है, वहां तो इस चुनाव में क्या ये रहेगा कि आप उनके जहां उनकी सरकार है वहां आप सवाल उठाएं, जहां आपकी सरकार है वहां वो सवाल उठाएं और महिलाएं परेशान होती रहे? दिया है कि राजस्थान हो, बंगाल हो, हर जगह इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जहां पर विपक्ष की सरकार है, तो राजनीति तो जम के चल रही है लेकिन घटनाएं रुक नहीं रही हैं। आपको लगता है ये चुनावी मुद्दा है? मुझे लगता है एक सभ्य समाज का मुद्दा है। मुझे दो रत्ती का फर्क नहीं पड़ता चुनाव हो या ना हो, मुझे समाज से भी शिकायत है, मुझे उन लोगों से शिकायत है जिसको उसने 8 किलोमीटर के दायरे में देखा, जिन लोगों ने और मदद नहीं की, उसको एक वस्त्र नहीं दिया उसका बदन ढकने के लिए, मुझे उन लोगों से भी शिकायत है। यह सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है। और 13 रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति बंद कर दीजिए। मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए, आप राजस्थान में रेप खखोलिए, आप बंगाल में देखिए, आप बिहार में देखिए, आप यूपी में देखिए, आप मध्य प्रदेश में देखिए, कहीं पर भी अगर महिला के खिलाफ अत्याचार होता है वो गलत है, वो दुष्कर्म है, वो पाप है। लेकिन पुलिस और प्रशासन क्या करता है? सारी बात आकर इस पर टिक जाती है। अगर मणिपुर में होता है ऐसा तो पुलिस और प्रशासन संलग्न पता चलता है, अगर मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ तो उसकी दलित आइडेंटिटी छुपाई जाती है, उसको भिखारी और दिमागी रूप से विक्षोभ बता दिया जाता है। किसी और राज्य में ऐसा हुआ है? किसी और राज्य में 24 घंटे लगते हैं एफआईआर होने में? नाबालिग की, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है नाबालिग के गुमशुदा होने की एफआईआर त्वरित होनी चाहिए। कौन इन बातों के लिए जवाब दे? आप बिल्कुल बोलिए हमारे राज्यों में रेप होता है, बिल्कुल उसके खिलाफ बोलिए। सभ्य समाज में आधी आबादी के खिलाफ हो रहे दुष्कर्म